से प्रस्ताव पास हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी और ये बैठक अब पूरी हो चुकी है और इसमें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रस्ताव पास हो चुका है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है और अब देखिए आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आएंगे राहुल गांधी। और एक अलग ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जहां पर संख्या बल की बात करें तो आप देखिए कि 99 जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है और एक तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार मौजूदा सरकार को लेकर अपने बयान देते आ रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने जनता से कनेक्ट किया उसके बाद ये समझा जा रहा था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और ये सभी की मांग थी जिसे प्रस्ताव पास किया गया है। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली से संवाददाता शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, राहुल गांधी का नाम स्पष्ट हो चुका है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। अब बिल्कुल देखिए, आज की CWC में जहां चुनाव परिणामों का आकलन हुआ, समीक्षा की गई, तो वहीं एक सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभी CWC के सदस्यों ने सोनिया गांधी से, पार्टी अध्यक्ष खड़गे से और राहुल गांधी से ये निवेदन किया है कि वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता बने, चूंकि इस बार आंकड़ा कांग्रेस के पास मजबूत है तो माना जा रहा है कि LOP का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। क्या राहुल जी ने इसमें कुछ कहा? वो CWC पर विचार जरूर करेंगे। आज शाम 5:30 बजे जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी LOP बनते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के लोकसभा में नेता बनते हैं या फिर किसी और का नाम चुना जाता है। कई और नाम है जिसमें कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इन नामों की भी चर्चा चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के लिए चूंकि सभी सांसद कार्यकर्ता अपील कर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं आई है लेकिन सभी चाहते हैं। जैसा अभी हाल ही में हम सुन रहे थे अभी जीतू पटवारी को, जिनका यह कहना है कि देश का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी को नाम को लेकर आगे बढ़ रहा है कि सदन में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लेकिन जब राहुल गांधी की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई है तो क्या अभी भी कुछ संशय हो सकता है शिवम? क्योंकि देर शाम को अगर वो स्पष्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बदलाव होने की भी संभावना है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लेकर पार्टी के सभी नेताओं में सर्वसम्मति है, एक मत से सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर लोकसभा में जाते हैं वहां पर अपनी बात को रखेंगे तो न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा बल्कि एक मैसेज जाएगा कि एक तरफ तो वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो वहीं लोकसभा में जवाब भी देते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी अभी फिलहाल दो जगह से लोकसभा के सांसद हैं, एक जगह से इस्तीफा भी देंगे, News 18 को सूत्रों ने यह भी बताया है कि वायनाड सीट छोड़ने की ज्यादा संभावना है। ऐसे में राहुल गांधी क्या लोकसभा में नेता का पक्ष स्वीकार करते हैं, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि राहुल गांधी की टीम से जुड़े सदस्यों का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी गहन मंथन चिंतन कर रही है और आने वाले समय में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जिन पर मोदी सरकार की जो गठबंधन सरकार बनी है उसका विश्वास जगा है। अगर हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में BJP गवर्नमेंट नहीं आती है तो जो केंद्र में मोदी सरकार है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र के किसी नेता को भी लोकसभा में नेता विपक्ष का पद दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकार लगातार इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी मजबूत हो और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम जहां जीते हैं वो अच्छी बात है लेकिन हमें इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना होगा। तो सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड हरियाणा या महाराष्ट्र के किसी एक नेता को दे सकती है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा। इन दोनों राज्यों में पार्टी ने बीजेपी के जो अपराजय अभियान चल रहा था उसको बदल दिया। हरियाणा की बात करें तो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने झटक ली, महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस बन गया है। ऐसे में आज 5:30 बजे जब कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो सभी की निगाहें होंगी कि क्या राहुल गांधी इस पद को स्वीकार करते हैं या फिर पार्टी हाईकमांड ने किसी और को इस पद के लिए चुन लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। तो देर शाम ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाता है क्योंकि अभी सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव लाया गया था राहुल गांधी के नाम पर वो पास हो चुका है लेकिन अभी राहुल गांधी खुद हरी झंडी देते हुए नजर नहीं आए। उनका ये कहना है कि शाम तक वे इस पर विचार करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं।